हेलो बच्चों बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस के अंदर अपना नया सेक्शन जिसका नाम है एसक्यूएल, जिसे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो अभी हमने कंप्लीट किया था कि आरडीबीएमएस क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट हमने लैंग्वेज की फॉर्म में एसक्यूएल को यूज करके किया है। तो आज की वीडियो में यही देखना कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री रह चुकी है और क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। थोड़ा सा एक जस्ट क्या लेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल। देखो, इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इज मैनेज्ड बाय यूजिंग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जैसे हम 4GL कहते हैं, जिसका नाम है नेम्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जब कंसेप्ट चल रहा था हमारे लिए, तो वहां पर हमने क्या देखा कि ये डेटाबेस को मैनेज करता है, बट ये कैसे करता है, ये थी हमारे पास एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जिसका नाम था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या, अगर आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, देन हायरार्किकल मॉडल, देन नेटवर्क मॉडल, देन इन तीन के बाद हमारे पास जो आया था वो था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस के ऊपर, जहां पे ये क्या यूज करते थे, टेबल यूज करते थे, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमारे लिए एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जो कि किस पे बेस्ड है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन 1970 एडगर एफ कोड, ठीक है जी, प्रपोज द रिलेशनल डेटा मॉडल एंड देन आईबीएम वर्क्ड ऑन दिस मॉडल एंड डेवलप्ड एसक्यूएल। यहाँ पे 1970 में जो एडगर एफ कोड या ईएफ कोड हम जिसे कहते हैं, जिसे हम फादर ऑफ डीबीएमएस एंड एसक्यूएल जो भी कहना चाहो कहते हैं, उन्होंने ये रिलेशनल डेटा मॉडल दिया था। जो हम मॉडल की बात करते थे कि ये चीज रिलेशनल एल्जेब्रा है या रिलेशनल कैलकुलस की, हमने जहाँ पे बात की थी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स उनके फॉर्मूलाज को यूज करके हम डेटा को एक जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, उसको मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहे सारी चीजें हम उस पर कर सकते हैं। तो उस मॉडल को थोड़ा सा आइडिया लगाते हुए, क्योंकि देखो उस टाइम हमारे पास क्या चल रहा था, 1970 से पहले जब हमारे पास ये रिलेशनल डेटा मॉडल नहीं आया था, वहां पर हमारे पास सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल, जो कि क्या थे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती थी उसको हैंडल नहीं कर पाते थे। बट जब इन्होंने ये मॉडल दिया था, तो ये इससे क्या हुआ कि हाँ, अगर हम डेटा को इतने सिंपली वे में मैनेज कर सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स मॉडल, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है, तो उसके बाद क्या क्या भैया, आईबीएम ने सोचा कि क्यों ना पैसे कमाए जाए, और उन्होंने जस्ट इस पर काम किया और हमें एसक्यूएल डेवलप करके दिया, जो मोस्ट कहते हैं ना कि वॉन्टेड लैंग्वेज हो गई थी उस टाइम की, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात आती है द फुल, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, द ओरिजिनल फुल नेम ऑफ एसक्यूएल वाज सीक्वल। सबसे पहले इसका जो नाम था वो था सीक्वल, ये नाम था, जहां पे विच स्टूड फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। आई थिंक मैं क्वेरी के बाद लैंग्वेज लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ओके, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कुछ लोग सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो सॉरी मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है, मुझे खुद गलती लगी, कोई नहीं, बिकॉज इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन इंग्लिश। अब इसका क्या था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड क्यों बोली जाती है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या थी, इसको हमने इंग्लिश जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसकी फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड किया हुआ था, कोई हार्ड फास्ट कोडिंग नहीं थी, सी सी प्लस प्लस जावा में होती है बिल्कुल, ऐसा कोई इसके अंदर हम क्वेरी या लैंग्वेज नहीं यूज करते थे, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड जो हम यूज करते हैं उसकी फॉर्म में थे, और वी कैन से इंग्लिश लाइक क्वेरी लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक क्वेरी लैंग्वेज विच फॉलो सिंटेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। अब वही आ गया ना, जो कि क्या करती, सिंटेक्स जो भी हम एक्सप्रेशन सिंटेक्स लेते हैं बिल्कुल इंग्लिश की फॉर्म में थे, जिसे एक बच्चे को भी अगर थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए ना दो चार दिन, तो वो भी समझ जाएगा इसके अंदर क्या हम लिख रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल है जैसे कि सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर नेम इज इक्वल टू डीबीएमएस। अब इसको समझना हो तो क्या कह सकता है कि क्या समझ सकता है, कि सिलेक्ट करो प्राइस, ठीक है, प्राइस को सिलेक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम बुक्स में से, बुक्स जब फ्रॉम लिखते हैं तो बुक्स मतलब टेबल की बात कर रहे हैं, वेयर नेम इज इक्वल टू, जहां पे नाम क्या हो, डीबीएमएस हो, तो ये क्या बताता है कि बुक्स
टेबल के अंदर में से प्राइस एट्रीब्यूट या फील्ड, इसको प्राइस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो जहां पे क्या हो कि नेम क्या हो डीबीएमएस हो। तो ये क्या था, एक इंग्लिश के बेस पे स्ट्रक्चर किया हुआ था, जो समवेयर मैंने क्या कहा कि अगर नए बंदा जो है जिसको इतना नई नॉलेज है किसी चीज की, तो थोड़ा सा ट्रेन करोगे तो वो भी पूरा आइडिया लगाने लग जाएगा। तो इतने यूजर फ्रेंडली हो गए थे कि इतनी बड़ी नॉलेज की हमें जरूरत नहीं थी, कि ट्रेंड एक्सपर्टीज ही आए पूरे अच्छे कई, तो बड़े सिंपल वे में काम हो रहा था। अब इट इज नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। अब ये नॉन प्रोसीजरल एंड डिक्लेरेटिव, और या जिसे हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहते हैं, अब यहाँ पे क्या नॉन प्रोसीजर, पूरा का पूरा कोई प्रोसीजर आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है कि पहले यहाँ जाओ ये करो, पूरी कोडिंग तो नहीं लिखनी पड़ती है। सी या सी प्लस प्लस जावा में लिखते हैं, सिंपल एक लाइन ने आपको सारी चीज निकाल के दे दी जो आप चाहते हो। इसकी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है वो तो इंटरनली होगी ना, मगर यहाँ पे सिंपल हमें क्या है कि एक लाइन लिख के अगर मेरा काम चलता तो मैं जैसे सी प्लस प्लस जावा की तरह ये कभी सिंपल फंक्शंस बनाऊं कोड बनाऊं क्या फायदा। सिंपल एक काम किया, इंग्लिश के अंदर क्वेरी लैंग्वेज लिखी और पूरा का पूरा जो मुझे चाहिए वो मिल गया। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन प्रोसीजर और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। SQL कमांड आर कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो SQL के अंदर जो कमांड्स है जो भी हम यूज करने वाले, ये ना इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ इसको कि ये कमांड है तो ये इस तरीके की लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट करने में काम आती है, या कैटेगराइज किया हुआ है तो उसको देखते हैं क्या चीजें हैं। लाइक इन्हीं के अंदर जो भी सारी कमांड्स हैं वो कैसे कैटेगराइज किया वो देखते हैं। देखो पहली आती है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इनको मैं जो डिस्क्रिप्शन है पूरा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पर अलग से पूरा हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो इतने में मेरे पास पेज बोर्ड नहीं है पूरा समझा पाता। तो अगली वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस समझ लेते हैं। DML जिसे हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, ये भी दो टाइप की होती है, डिक्लेरेटिव DML एंड नॉन डिक्लेरेटिव DML। ओके, देन आते हैं हमारे पास DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चलो थोड़ा सा हल्का लेते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो बेसिकली टेबल के ऊपर हम काम करते हैं उसमें जो चेंजेस करने उस पर होता है, और डेटा मैनिपुलेशन में जो डेटा के अंदर जो हम डेटा पे काम करते हैं उसको चेंज करना अल्टर करना जो भी वो उसके ऊपर होता है। तो ये दो होती है, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। देन बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में किसी डेटा का या टेबल का हमें भाई किसी को ऑथराइजेशन देना नहीं देना, तो इस तरीके की चीजों को करने के लिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जोन सी हमारे पास ऐसी कमांड्स होगी जहां पे हम कहेंगे कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेरीज है वो क्या होगी हमारे पास, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो क्वेरीज डेटा को कंट्रोल कर रही होगी वो क्वेरीज को हम कहते हैं DCL, एंड जो डेटा को मैनिपुलेट करने में काम आएगी उसे DML, और जो टेबल को मैं डिफाइन करने में डेटा डेफिनेशन लिखा हुआ डिफाइन करने में काम आती है, उसका स्ट्रक्चर किसी चीज को चेंज करने में या बनाने में, दैट इज नोन एज DDL, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास कमांड्स या किस तरीके के जो क्लोज या कीवर्ड्स यूज होंगे थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। देन देखो हमारे पास आता है एक और PL SQL, जिसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL कहते हैं। जैसे देखो प्रोसीजरल वर्ड यूज किया और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, नॉन प्रोसीजरल। SQL हमारे लिए नॉन प्रोसीजरल थी, है, ठीक है, बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आया था आगे उसको फर्दर इवॉल्व करने के लिए, देन हमने इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी यूज किया कि हमने कुछ ऐसी कोडिंग करी SQL को यूज करके जहां पे क्या पूरा प्रोसीजर लिखते थे कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी है, ऐसे करनी, ये डेटा होगा और ये हमारा काम है तो उसको ऐसे करके आपको आगे जाना है। तो जहां पे हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज, जहां पे हम प्रोसीजर्स ये काफी चीजें बनानी सीखी थी, ठीक है, तो वो हम अलग से करेंगे। देन ये हो गया आपके पास जस्ट एन इंट्रोडक्शन की SQL क्या है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या, कहां से ये आई, तो क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है आगे, ठीक है गाइस। तो ये था दोस्तों वीडियो, अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो SQL के अंदर ये जो चार है ये हालांकि इससे ज्यादा भी होती है, बट हमारे काम की अभी इतनी है तो इतने में काम चलाएंगे। तो अगली वीडियो में इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एंड वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल को हो सके, एंड मैंने पहले ही बोला है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है प्लेलिस्ट का, उसको जाइए उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, ताकि सीक्वेंस वाइज आप हर चीज को देख सको, कोई भी चीज ना छूटे आपकी। थैंक यू।